एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चना दाल के भरवे पराठे बनाना सिखाऊंगी गाइस, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूले हुए चना दाल के पराठे आप किस तरीके से बना सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ और जानते हैं इस प्यारी सी और बिल्कुल टेस्टी सी रेसिपी का राज। तो चना दाल के पराठे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चना दाल ले लिया है। चना दाल को मैंने बॉईल कर लिया है। आपको इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बिल्कुल हाथ से दबने तक ये गलना चाहिए। इसे ज़्यादा इसे ना गलाएं, नहीं तो आप इसका पाउडर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो इसका जो पानी है मैंने ड्रेन कर लिया है, अभी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है, गेहूँ का आटा मैंने यहाँ पर लिया है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कुछ सूखे मसाले ले लिए हैं। मसालों में मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काले मिर्च का पाउडर, साथ ही साथ भुना जीरा, भुनी हुई लाल मिर्च, दोनों को मैंने लगभग 1 टेबल स्पून ले लिया है। इन सारे मसालों को हमें ऐड कर देना है दाल में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें आटे को गूंद लेना है। मैंने स्वाद के अनुसार आटे में नमक डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 200 से 250 ग्राम आटे का इस्तेमाल किया है। आप अपने अकॉर्डिंग आटा कम और ज़्यादा ले सकते हैं। तो पानी डालते हुए नॉर्मली हमें इसका आटा लगा लेना है। आटा जो है हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत हार्ड ना गूंधें इसे। तो अच्छे से मैंने आटे को गूंद लिया है। इसे ढक कर रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, तब तक दाल को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो दाल को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। दाल जो है उसका पानी जो है वो बिल्कुल अच्छे से ड्रेन होना चाहिए, बिल्कुल भी दाल में पानी नहीं होना चाहिए। या तो आप इसे पंखे के नीचे छोड़ सकते हैं, या तो फिर आप इसे कॉटन के कपड़े में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ताकि पानी जो है वो बिल्कुल भी इसमें ना रहे। तो दाल को हमें बिल्कुल अच्छे से स्मूदली पीस लेना है, पाउडर बना लेना है इसका। तो दाल जो है अभी पूरा अच्छे तरीके से नहीं पीसा है। अब हमें बीच में इसमें मसाले को डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे भुना जीरा, भुनी हुई लाल मिर्च और साथ ही साथ काले मिर्च का पाउडर डाल दिया है। सारी चीज़ों को डालने के बाद में मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक को स्वाद के अनुसार डाल दें और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से स्मूदली पाउडर की तरह पीस लें। तो नमक मैंने डाल दिया है। अब हमें इसका पाउडर एक तैयार कर लेना है। काफ़ी ईजिली इसका जो पाउडर है वो तैयार हो जाता है। बस ख्याल आपको ये रखना है कि पानी इसमें नहीं होना चाहिए। तो दाल जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। सारे मसाले इसमें अच्छे तरीके से मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। तो दाल को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। दाल और आटा दोनों रेडी है चना दाल के पराठे बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे से इससे पराठा बनाना। काफ़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है दाल के साथ में। तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से चिकना हो चुका है, लोई तोड़ लेते हैं। तो जितनी लोइयां आपको बनानी है वो इक्वली इससे तोड़ लें, अलग कर लें। तो सारी लोइयां जो हैं मैंने इससे बिल्कुल बराबर तोड़ ली है। अब हमें शुरू करना है रोटी को बनाना। तो सारे लोइयों में मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा दिया है, जिससे जो रोटी बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तब इसे बेल लेते हैं। सूखा आटा लगाते हुए हमें बिल्कुल इसे धीरे धीरे बेल लेना है गाइस। तो हाथ से बिल्कुल इसे फैलाकर आपको दाल डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से इसे बेल लें और जितनी क्वांटिटी में दाल आप इसमें डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच इसमें दाल को डाल दिया है और बिल्कुल अच्छे से दाल को भर दिया मैंने। तो दाल को भरने के बाद में हाथ की हेल्प से हमें बिल्कुल अच्छे से इसे बंद कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल बाहर ना निकले। हमारी स्टफिंग अगर बाहर निकल जाएगी तो हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार नहीं होगा गाइस। तो मैंने इसका मुंह बंद कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से इसे बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं से भी पराठा जो है वो फटा नहीं है गाइस। तो बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने पराठे को बेल लिया है, बिल्कुल रेडी है अब ये तवे पे जाने के लिए गाइस। तो आप देख सकते हैं कि पराठा हमारा कहीं से भी फटा नहीं है। तो तवा हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, मैंने तवे में रोटी को डाल दी है। रोटी को एक तरफ से सिकने के बाद में नॉर्मली हमें से इसका जो साइड है वो चेंज कर देना है। तो आप देख सकते हैं एक साइड से ये पकना स्टार्ट हो गया है। तो बिल्कुल नॉर्मली जिस तरीके से हम पराठे बनाते हैं उसी तरीके से हमें से दोनों साइड से अच्छे से पलट पलट करके सेक लेना है गाइस। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं या तो बटर में भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो रिफाइंड ऑयल को मैंने एक साइड में लगा दिया है। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से आपको लगाना है, ताकि जो पराठा है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो।
तो दोनों साइड में मैंने ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगा दिया है। पराठे का जो कलर है वो आप देख सकते हैं। तो दोनों तरफ से पलट पलट करके मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से पका लिया है गाइस। इस तरीके से एक बार चना दाल का पराठा जो है वो ज़रूर बनाएं। भरवा पराठे बनाने का तरीका इस वीडियो में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप चना दाल का पराठा बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कहीं से भी पराठा हमारा फटा नहीं है और काफ़ी अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो मैंने एक पराठा जो है वो तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ मैं दूसरे पराठे को भी तैयार कर लूँगी। मैंने इसमें भी दाल भर दिया है बिल्कुल हल्के हाथों से। इसे बेलने के बाद में इसे भी तवे में डाल देना है। तवे में डालने के बाद में इसे भी पलट पलट करके हमें अच्छे से सेक लेना है, जिस तरीके से नॉर्मली हम पराठा को तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये भी पराठा जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। काफ़ी फूली फूली हुई हमारी जो रोटी है वो तैयार हो चुकी है। इसे भी मैंने निकाल लिया है, इसका कलर भी आप देख सकते हैं। तो सारे पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने इसे कैसरोल में रख दिया है ताकि रोटियां जो है वो बिल्कुल गर्मा गर्म रहे। तो आप देख सकते हैं पराठे जो है काफ़ी मुलायम है। तो इस तरीके से चना दाल का भरवा पराठा ज़रूर बनाए गाइस, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाता है। और सारी रोटियां जो है बिल्कुल इक्वली तैयार हुई हैं, बिल्कुल भी कहीं से भी फटी नहीं है। और मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि दाल जो है वो बिल्कुल अच्छे से फील हुआ हुआ है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टफिंग है वह बिल्कुल इक्वली हर तरफ से स्प्रेड हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से एक बार चने दाल का भरवा पराठा अपने घर पे ज़रूर बनाएं, गर्मा गर्म रोटी घर पे तैयार करें और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसे आप दही या फिर चटनी किसी भी चीज़ के साथ में सर्व कर सकते हैं गाइस। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, ज़रूर एंजॉय करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इसे किस तरीके से बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन काफ़ी इजीली मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी बिल्कुल घरेलू सी रेसिपी को लेकर के। टिल देन बाय बाय गाइज़।